लेते हैं, पहले फटाफट से इवेंट्स ले लेते हैं, समझ लेते हैं कि अगले हफ्ते के इवेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं, फिर हम कुछ BTST के सौदे आपके सामने रखेंगे। मामाक्षी बताएं आप प्लीज़। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज के साथ। पहले डोमेस्टिक क्यूज को एक बार जान लेते हैं। तो CPI और होलसेल प्राइसेस का जो डेटा है वो अगस्त 14 को आएगा। अगस्त 15 को इंडिपेंडेंस डे है ही, और उसी के साथ मार्केट्स भी बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा US बाजार की अगर हम बात करें तो FOMC के जुलाई के मीटिंग के मिनट्स आने वाले हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी एक्सपेक्टेड है। लास्टली अगर हम देखें इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी आ सकते हैं US मार्केट्स की तरफ से, और इसी के चलते हमें इन सारी क्यूज पर भी नज़र रखनी होगी। UK के मार्केट से हम जॉबलेस क्लेम्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और CPI डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले हफ्ते, और यूरोजोन की तरफ से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन GDP और यूरोजोन CPI एक्सपेक्टेड है अगस्त 16 और अगस्त 18 को। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। सियाराम सिल्क फोकस में रहेगा अगले हफ्ते अगस्त 12 को, क्योंकि कंपनी एक प्रपोजल कंसिडर करने वाली है बायबैक का। अगस्त 14 को ITC पर नज़र रखेगा, क्योंकि अपने नतीजों के साथ कंपनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फॉर डीमर्जर ऑफ होटल्स बिजनेस को कंसिडर करने वाली है। इसके अलावा GMDC पर भी हमारी नज़र होगी, क्योंकि ये अपवर्ड रिविजन कंसिडर करने वाले हैं रेट ऑफ डिविडेंड में। और आखिर में हम फोकस करेंगे IPO मार्केट पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी एक्शन हो रहा है। अगस्त 14 को लास्ट डे है TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के IPO को सब्सक्राइब करने का। अगस्त 16 को SBFC फाइनेंस की लिस्टिंग होने जा रही है, और इसी के चलते ये स्टॉक हमारे रेडार पर ज़रूर रहेगा। कॉन्कॉर्ड बायोटेक की लिस्टिंग अगस्त 18 को होगी, और अगस्त 18 को एक नया IPO खुलने जा रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट IPO, तो इस पर भी हमें जरूर नजर बनाए रखनी होगी। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ठीक है, माक्षी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सारे इवेंट्स को कंपाइल